असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हमले को लेकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने छतरपुर में कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को समाज और जनता की नब्ज नहीं टटोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिलाओं पर दिए बयान पर भी उन्होंने कहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। देखिए, ये तो सब नाचना आंगन टेढ़ा जैसी स्थिति है। समाज जो है ना, समाज की और देश की नब्ज को जो है ना, उसको टटोलना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। अब जनता की नब्ज को नहीं टटोल पा रहे तो समाज कैसे आपके साथ खड़ा होगा। ये सब जनता के द्वारा जो है ना, देश इस समय एक ही दिशा में चल रहा है और देश पूरा जय श्री राम के नारे के साथ में। श्री राम ने वनवासियों को गले लगाया था, श्री राम जी ने आदिवासियों को गले लगाया था, उन्होंने केवटों को भी गले लगाया था, समाज के हर वर्ग के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर को गले पर लगाया था। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वही काम किया जा रहा है। और विरोधी दलों में जो बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, वो इसी बात को लेकर हो रही है कि उनके सबके जनाधार खत्म हो चुके हैं। और जनाधार खत्म होने के कारण इस समय फिर इस तरह के अनर्गल वक्तव्यबाजी करना और इस तरह के प्रदर्शनों का आयोजन करना, ये उनकी बौखलाहट को बताता है और कुछ नहीं है।